शुभ नवरात्रि। वेलकम दीदी। कुछ लोग होते हैं जिनको पहचान बताने की जरूरत नहीं होती, बोले नाम ही कुछ लोग काफी। होते हैं जिनको वेलकम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। नहीं, उनका घर है, अधिकार है, और अधिकार से आना चाहिए, और उसी अधिकार थैंक से हम यू। बुलाते हैं और वेलकम करते हैं डॉक्टर अनु मैडम का। वेलकम दीदी। चलिए, थैंक यू भाई। ये आपने फॉलो अप सबने देख लिया है, मैं एक बार केस पढ़ती हूँ, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या था। ये केस ना एक 7 ईयर ओल्ड बच्ची का केस था। बच्ची तो आपने देख ही ली है कि कितनी प्यारी सी बच्ची थी वो। इस बच्ची को लगातार 15 दिन से फीवर आ रहा था। ऑफ कोर्स अगर बच्चों को फीवर आता है तो सभी पेरेंट्स सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास ही लेकर जाते हैं। तो इसको भी 2 पीडियाट्रिशियंस के पास लेकर जाया गया, जो मेरे टाउन के फेमस पीडियाट्रिशियंस हैं। लेकिन 2 बार एंटीबायोटिक का, अलग अलग पीडियाट्रिशियन ने अलग अलग एंटीबायोटिक का कोर्स किया, और सभी ने, पहले वाले ने सीबीसी डेंगू करवाया, और जब दूसरे वाले को पता चला कि ये तो कुछ आया नहीं था, तो उन्होंने मलेरिया, टाइफाइड, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमन और कंप्लीट यूरिन टेस्ट करवाई। लेकिन फिर भी बच्ची को जैसे बुखार आ रहा था वैसे ही 15 दिन से फीवर चल रहा था। इसमें मैं ज्यादा, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, वैसे क्यूरियोसिटी से ही मैंने पूछ लिया, इसका केस से कोई लेना देना नहीं था। तो उसके फादर की मिल्क डायरी है। मिल्क डायरी मतलब जहां से लोग दूध लेकर जाते हैं, दूध, ये दही, मक्खन वगैरह बेचते हैं जो। और इनके मदर एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, और ये लड़की एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो मैंने उसके मदर को बोला कि बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसके मदर ने बोला, अब मैं जो भी बोलूंगी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो पढ़ा तो आपने, किसी ने भी ध्यान से केस को नहीं है। तो उसके मदर ने बोला कि फीवर आता है डेली 103, 104। मॉर्निंग जब सो के उठती है तब वो गर्म लगती है, और जब हम चेक करते हैं देन उसको फीवर होता है, और ऐसे ही सेम दोपहर में। ये मतलब शायद मैंने एक दो लोगों को फेमिलियर भी करवाया था कि कितना फास्ट मैं लिखती हूँ और कितना लंबा लिखती हूँ। देन द गर्ल वॉज वेरी एक्टिव। गर्ल एक्टिव थी, तो उसकी मदर ने बताया कि 1 घंटा पहले ही उसको वो एंटीपायरेटिक 10 ml, मतलब आइबुजेसिक, नींबू, पैरा, वॉट एवर, उसे देकर लाई है। मतलब इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब बच्ची मेरे सामने थी उसका फीवर उतरा हुआ था और वो मेडिसिन लेकर आई थी। देन मैंने इंक्वायर किया कि कोई खांसी, जुकाम, गला खराब, पेट दर्द, पॉटी कितनी बार जाती है, पॉटी की कंसिस्टेंसी कैसी है, भूख कैसी है, प्यास कैसी है। मतलब जो भी तीर मेरे पास थे मैंने सब चला दिए कि कुछ मिले, लेकिन उसकी मदर ने कहा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि मैंने पेट के बारे में 2-3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इनको, आप मुझे इसके बारे में बताइए। मतलब चलो छोड़ो का मतलब ये तो पता ही है कि इनमें कुछ आया नहीं है। तो उसके मदर ने बोला कि फीवर में ये ऐसे डल नहीं रहती, इसके ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, इसकी दादी मम्मा किसके घर गई है, इसको सब पता होता है। इवनिंग में ये मेरे साथ बैठती है, जब भी मैं ट्यूशंस करती हूँ तो मेरे को बताती है कि देखिए मम्मा, वो बच्चा ऐसे कर रहा है, उसने उसकी पेंसिल छीनी, ऐसे वो अपनी मदर को बताती है। उसने फिर बोला, उसके मदर ने, बट फीवर में स्ट्रेस लेती है कि ठीक हो जाएगा, ऐसा उसको क्यों हुआ। मतलब ये मैंने फॉलो अप में भी उस बच्ची से पूछा कि अब तो नहीं तुम्हें डर लगता कि तुम्हें क्या हो जाएगा। फिर उसके मदर ने बताया, घर में सब लर्न करती है, मैं ही पढ़ाती हूँ, बट स्कूल में जाकर गलत करती है, ओरल में भी अच्छे से सुना नहीं पाती। उसके मदर ने यहाँ मेरे को क्या बताया कि जब भी वो उसे घर में प्रैक्टिस करवाते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, लिखवा कर देखते हैं, वॉट एवर, वो बिल्कुल वहां पर ठीक करती है। तो फिर उन्होंने बोला कि कभी कभी इसके फादर बोलते हैं कि हम डिनर के लिए चलेंगे तो ये फ्रॉक निकालेगी, मैचिंग पिंस निकालेगी, लेकिन जब कभी भी ना जाया जाए, क्योंकि डायरी का काम लेट तक खत्म होता है, 11 बजे के करीब, तब तक हमारे टाउन में तो मतलब पूरा लोग सो जाते हैं, तब फिर इसका मुंह उतर जाता है, देखने लायक होता है। सो दिस वॉज द केस।
तो मुझे सब कुछ ही मिल गया था इस केस में इतने में, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, और इसीलिए उसका फॉलोअप इतना अच्छा आया। और इन्होंने कभी होम्योपैथी कभी भी मेडिसिन नहीं ली थी, तो इसके मदर भी अब मेरे पेशेंट बन गए, इसलिए वो फॉलोअप देने आए थे और बोल रहे थे कि वो आपसे तब भी मिलना चाहती थी लेकिन मैं इसको अंदर नहीं लेके आई। देन आई कॉल्ड हर टू रिकॉर्ड द फॉलोअप फॉर दिस केस। तो बताइए अभी अभी तो मैंने लगता है 4 मिनट में ही मैंने तो केस बोल दिया, तो प्लीज आप सभी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने नहीं दिया वो भी बताइए। सबसे पहले ओवरऑल बच्ची आपको कैसी लगी, ये शायद मेरा हर वीसी में एक पहला क्वेश्चन होता है कि कैसा लगा। मैडम बच्ची डल नहीं है, एक्टिव है, और बच्ची को इतना फीवर है 103-104, फिर भी कुछ कंप्लेन नहीं कर रही है, सिर्फ इरिटेबल होती है और क्वेश्चन करती है कि क्या मींस एंग्जायटी और लाइट डिजायर ऐसे लग रहा है, और कुछ तकलीफ बोलती नहीं पेरेंट्स को कि ये हो रहा है, कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ फीवर बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं वो ऐसा करती, बस पूछती है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। हाँ जी संजय सर प्लीज। मैम बच्ची को फीवर है इतना, फिर भी बच्ची फीवर में बहुत सारी बातें कर रही है, और जब उसको घर से बाहर नहीं ले जाते हैं तो वो थोड़ी सी डल हो जाती है, चेहरा देखने लायक हो जाता है, और उसको लगता है कि ये बुखार क्यों हो रहा है। और एक तो मैम वो सारी बातें बताती है तो मुझे लग रहा है कि वो लोपेसिटी ज्यादा है उसके अंदर। वो क्या करती है सर सारी बातें? वो बातें बहुत कर रही है ना मैम, वो दादा दादू कहाँ गए, वो स्कूल में पेंसिल ले लिया, ये सारी बातें बहुत कर रही है आपसे, तो लोपेसिटी मुझे ज्यादा लग रही है मैम फीवर के समय। गुड सर गुड जी सर, ये सब यहाँ तक समझ में आया मैम। बहुत बढ़िया सर, बीपीसी मेंबर्स ने तो फीवर पे एक पूरा मतलब एक मंथ सीखा है उन्होंने बुखार का, तो इसीलिए उनका एनालिसिस देना तो बनता है। हेलो जी जी मैम। मैम पहले तो ये कॉकरोच है, मतलब जैसे कि उसके पेरेंट्स ने बताया कि बाहर जाना है तो वो सब मतलब प्रॉपर करती है, टाइम वगैरह। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट डिजायर भी लगा, और थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ये भी लगा, और जी थोड़ा सा पेनिंग मुझे बीच बीच में लग रहा था लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में, और लोपेसिटी है फीवर ड्यूरिंग, और ये ना मतलब फीवर के दौरान भी मतलब शार्प या इंटेलिजेंट बोले ऐसा है, क्योंकि तो उसको हर चीज जो हो रही है ना मतलब क्वाइट मूवमेंट भी वो भी उसको पता है, इसके आजू बाजू क्या चल रहा है क्या नहीं, इतनी अवेयर है उसकी, तो मेरा लग रहा है डीडी में पल्स चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लग रहा है। जी मैडम मैनिपुलेटिव क्यों लगा मैम आपको? मैम जैसा कि वो फीवर के ड्यूरिंग भी बच्चों को मतलब ट्यूशन जैसे मम्मी लेती तो वो सब प्रॉपर कर रही है, लेकिन जब स्कूल जाना रहता जब भी उसको फीवर आ रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा मैनिपुलेटिव। जी जी मैम जी। हेलो मैम। जी जी हरजीत मैम। मैम ये अलर्ट वाली रेमेडी है। वेरी गुड मैम, तो फिर अलर्ट वाली रेमेडी है तो अलर्ट किसी ने क्यों नहीं बोला? वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं बोलने वाला था अभी। जी जी चेतन सर सॉरी सर। हाँ जी मैम बताइए। जी मैम मुझे तो ये फॉस्फरस ही आ रही है। ब्यूटीफुल मैम ब्यूटीफुल। हाँ बिकॉज अलर्ट है, कॉकटिश है, एंग्जाइटी है, लाइट डिजायर है, जी ये सब लेके मुझे फॉस्फरस आ रही है मैम। जी आपने अभी लास्ट में मैसेज किया ना, आपने कहा मुझे फील हुआ, yes, तो मैं लिखने वाली थी, आपने फिर फील कर लिया। जी Yes, चेतन सर आप भी बताने वाले थे, प्लीज बताइए आप भी। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी बोलने वाला था कि कम्युनिकेटिव है, कोकेशियस है, और
सात साल की बच्ची है और ये सब सदना धदना इतनी उम्र में भी ठीक से अपना देख रही, तो ये प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन भी है। प्रिकॉसिटी क्यों सर, प्रिकॉसिटी क्यों? मैम सात साल की बच्ची तो लगभग मेरे ख्याल से तो मम्मी ही सब कुछ देखभाल तैयार वगैरह करती है, लेकिन ये खुद ही अपने आप से सब कुछ रोक निकालती है सब कुछ, इसलिए क्या कर रही है सर अब खुद से अपने आप को? आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं थी। अपना सब कुछ खुद ही देख रही है मैम, इसलिए प्रिकॉसिटी। क्या देख रही है सर ये खुद से? मतलब मतलब अपने कपड़े ठीक से लेना, लिपस्टिक वगैरह वो सब कुछ खुद ही। ओके ओके ओके, जब जाना है उसने पार्ट। ओके ओके सर, डिनर। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ मैम, और मुझे ये लेकेसिस या फास्फोरस दोनों में से एक लग रही है। ठीक, बढ़िया सर। अभी एक दो जन और हिम्मत कीजिए। अशोक सर है ना अपने बेसिक वाले सभी मेंबर्स यहाँ पर? होप सो, अधिकांश लोग होने चाहिए। जो नहीं भी हैं वो भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अफेक्शनेट भी लग रही है मैम ये। अफेक्शनेट, मैं अफेक्शनेट लग रही हूँ मैडम या ये अफेक्शनेट लग रही है? मैम आप दोनों लग रहे हैं, आप भी लग रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मिलना भी चाहती थी ना। जी जी जी, मैं यूजुअली बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करती हूँ, तो वो मुझे मिलना चाहते ही हैं, क्योंकि मेरा जो भी सामान पड़ा होता है मुझे कुछ नहीं होता, उठाते हैं तो उठाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती इसीलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है सर? अशोक सर करें शुरू। हाँ देखिए, जैसे मैम ने भी बताया और चेतन सर ने भी बताया कि बच्ची अलर्ट वाली रेमेडी है। यस, ये बच्ची अलर्ट वाली रेमेडी है। वो हमें कहाँ से पता चला? ड्यूरिंग फीवर मदर उसे अपने पास बिठाती है, क्योंकि मदर इवनिंग में ट्यूशंस लेते हैं, तो वो इवनिंग में जब अपने पास उसे बिठाते हैं देन वो अपने दादाजी को बताती है कि दादी मम्मा किसके घर गए। उसकी दादी इवनिंग वॉक वगैरह पे जाते हैं तो उसे पता होता है कि वो कब निकली, कहाँ गई। एंड सेकेंड, जब ट्यूशन के बच्चे बैठे होते हैं, किसने किसकी पेंसिल छीनी, कौन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग फीवर भी वो बच्ची अलर्ट होती है। तो हमने मैंने सबसे पहला रूब्रिक यही लिया, अलर्ट, क्विक टू परसीव एंड एक्ट, ए स्टेट ऑफ केयरफुल वॉचिंग, इसे बोलते हैं अलर्ट। या आप इसके साथ मिलता जुलता रूब्रिक एक और भी है, अलर्ट मूवमेंट ऑफ एवरी, जिसने भी वहां मूवमेंट की उसकी तरफ ध्यान। लेकिन फिर ट्रैप क्या आया, हमें इतना माइंड में भर दिया गया है कि अलर्ट मीन्स फॉस्फोरस। ऑलवेज अलर्ट डजंट मीन फॉस्फोरस। हमें रूब्रिक लेने हैं और हमें रिपर्टराइज करना है, मेडिसिन तो लैपटॉप ही हमारे सामने लाकर रख देगा। सेकंड, लॉकेसिटी फीवर ड्यूरिंग, आप सबने लिया कि लड़की बात करती है, लड़की टॉकेटिव है, बिल्कुल ठीक। थर्ड रूब्रिक जो मैंने इसमें लिया वो था, उसके मदर ने बहुत अच्छे से बताया कि वैसे ये डल नहीं रहती लेकिन ये चिंता करती है, ये मॉर्बिड है। कितने बच्चे चिंता करते हैं कि मुझे बुखार हुआ, मुझे क्यों हुआ, ये सब बहुत बच्चे चिंता नहीं करते। ये 7 साल की बच्ची है सिर्फ। तो जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि रेपर्टरी में पेशेंट की हर भाषा का रूब्रिक है, हमें उसे समझना है। मैंने सिंपल रूब्रिक लिया, एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल, ठीक है ना। बच्चे चिंता नहीं करते, मुझे ऐसा क्यों हो गया, इसीलिए फॉलोअप में भी मैंने दोबारा पूछा कि अब तो तू चिंता नहीं ना करती कि तुम्हें क्या हो गया। फिर उसके मदर ने मुझे बोला कि मैं सब कुछ इसे घर में मतलब रट्टे लगवा के सब कुछ भेजती हूँ, लेकिन स्कूल में ये गड़बड़ करती है, बहुत लोगों ने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक लिया, तो मम्मी घर में भी तो बोलेगी ना कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करती है। हमने कितना सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक ले लिया, उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि घर में ये अच्छे से करके जाती है, स्कूल में जाकर भूल जाती है। तो हमारे पास रूब्रिक है कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कूल इन। एंड द लास्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था वो था कि बहुत एक्साइट होती है जब इसने पापा के साथ अपने जाना होता है, लेकिन जब नहीं जा पाते देन इसका चेहरा देखने लायक होता है, मतलब उतर जाता है, उदास हो जाता है,
excitement alternating with sadness and the medicine came was Ferrumfos. और उसके बाद मैंने दो फिर मैं गई फीवर चैप्टर में, उसके मदर ने कितने अच्छे से बताया कि ये सोती है, जब उठती है तो गर्म होती है, लेकिन जब हम फीवर देखते हैं तो 103 104 होता है, ऐसा ही दोपहर में। दोपहर में का मतलब जब ये सोकर उठती है। हमारे पास बहुत अच्छा रूब्रिक है अंडर द चैप्टर फीवर, फीवर आफ्टर स्लीप हीट कम्स ऑन, मतलब गर्म लगती है, हीट आ जाती है, देखते हैं तो फीवर होता है। और उसके बाद हमारे पास रूब्रिक है, सबसे बड़ा रूब्रिक जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, दैट इज फीवर सिम्टम्स विदाउट अदर्स। इसमें सिर्फ चार ही रेमेडीज हैं, नेट्रम्योर मुझे याद है, म्यूरेटिक एसिड याद है, एक शायद और भी रेमेडी है इसमें, चार रेमेडीज हैं इसमें। हमारे पास क्लिनिक में बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मदर्स बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं कि इनको फीवर है, लेकिन हम सब पूछते हैं गला खराब है। बच्चों में दो चीजें मैंने बहुत कॉमन देखी हैं जो कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आते हैं, वो हैं गला खराब या लूज मोशंस। ये दो चीजें कॉमन हम क्लिनिक में देखते हैं, लेकिन इस बच्ची को तो कुछ भी नहीं था, विदाउट सिम्टम्स ये केस हमारे सामने प्रेजेंट हुआ था। तो मैंने इस बच्ची को Ferrumfos 30 BD दी थी 4 days के लिए, और बीच में एक जो थर्ड डोज थी वो सैकलेट की लगाई थी, तो इसका फीवर भी गायब हो गया था और इसकी प्रॉब्लम्स सारी गायब हो गई थी। ओके जी, मैं बोल रहा हूँ सबकी तरफ से। यस जी, ठीक है ना, ये एक छोटा सा केस था। अरे हम फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है हमारी Ferrumfos, अर्ली स्टेज ऑफ फेब्राइल कंडीशंस, जिसमें हम एकोनाइट बेलाडोना के साथ Ferrumfos 6x हमेशा ही देते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि कॉलेज में के बाद तो हम माइंड मेथड में आ गए ना, ऐसे होता था ना, कोल्ड एक्सपोजर हुआ, बेलाडोना दिया, एकोनाइट दिया, उसके साथ हमने Ferrumfos 6x देना ही देना होता था, याद आया सबको? बिल्कुल देते थे। अभी भी जी मैम, मैं तो अभी भी देती हूँ मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी देना चाहिए, दे देते हैं बिल्कुल। चलो थोड़ा सा Ferrumfos के बारे में पढ़ लेते हैं, 15 मिनट थोड़ा सा मैं आपको कुछ कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस बता देती हूँ Ferrumfos की, कि कितनी डे टू डे रेमेडी है हमारी। और राडार की नोट सिम्टम्स में तो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, एक्यूट हाई फीवर बट नो स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक सिम्टम, ये राडार की नोट्स ने दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे क्लिनिक में ये पेशेंट अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आया था। अब एनीमिया में भी देते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, क्योंकि कुछ लोग जो अदर होम्योपैथी डॉक्टर्स से आते हैं वो मुझे दिखाते हैं ना, मैम एनीमिया ये Ferrumfos 3x ले रहे हैं, 6 महीने से ले रही हूँ, 1 ग्राम खून भी नहीं बढ़ा, लाइक आते हैं ना ऐसे, Ferrumfos देते हैं 3x में देते हैं। तो अभी मैं आपको ना एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन बताती हूँ स्टूडेंट्स की, जो Ferrumfos हमारे सामने रोज आती है। कौन से होते हैं ये Ferrumfos जो हमारे क्लिनिक में डे टू डे प्रैक्टिस में हमें सामने से दिखाई देते हैं? ये वो लोग होते हैं जो या तो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, या जो IITs की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर और ऊपर UPSC जो आजकल बहुत कॉमन है, UPSC की तैयारी बहुत बच्चे करते हैं, डिस्पाइट बीइंग उनको बहुत बार बार फेलियर मिलता है। Kalyphos हम सबको देनी आती है, लेकिन Ferrumfos की प्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाती है। मैं कुछ रूब्रिक्स बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपकी रिपर्टरी में ही है। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ कॉन्फिडेंस स्कूलिंग का मतलब इंस्टीट्यूट भी होता है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, मेमोरी वीकनेस ऑफ, डिस्करेज्ड विद एवरीथिंग। उसके बाद जब फेलियर्स मिलते रहते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। कंप्लीट रेपर्टरी में बहुत अच्छा रूब्रिक है, प्रिसीजन ऑफ माइंड इंक्रीज्ड, जैसे मेरी आदत है ना, मैं आपको बहुत बोलती हूँ मोर प्रिसाइज, मतलब स्पष्ट, उनको मतलब बहुत क्लियर होता है माइंड में कि उन्होंने क्या करना है। अगर फेलियर्स भी मिलते हैं
लेकिन ये घबराते नहीं है, बहुत जल्दी लगे रहते हैं, करते रहते हैं, इसीलिए अब फेरमफॉस को फर्म रेमेडी बोलते हैं ना, इसीलिए बोला जाता है इसको। और छोटे छोटे बच्चों की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई मेला होता है, जैसे अब नवरात्रि चल रही है, मदर बहुत कॉमनली आपको बता सकती है कि डॉक्टर साहब ये ना जो जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है या हमारे घर में कोई फंक्शन हो जाए, बहुत लोग इकट्ठा हो जाए, ये डरता है बच्चा, तो फियर क्राउड हम लेते हैं। और जो बच्चे रोड क्रॉस, बच्चे नहीं, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है रोड नहीं क्रॉस कर पाती, उसमें भी फेरमफॉस बहुत ज्यादा काम आती है। तो आप ये चार छह रूब्रिक देख लेना। और जो ये पढ़ने इनका जो कैसे है, ये नक्सवोनिका ने के बहुत क्लोज दिखती है रेमेडी, उसका रीजन है कि हिंड्रेंस इनटॉलरेंस की वजह से। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रूब्रिक्स हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, हिंडर्ड बींग इंटॉलरेंट ऑफ, कि अड़चन ना आए मेरे काम में, जैसे मदर ने पढ़ते पढ़ते उठा लिया ऐसे, क्योंकि हमने मेडिसिन की पिक्चर्स बनाई हुई है इसीलिए हमारे मन में आता है कि बहुत आर्डेंट है, पढ़ने वाली है, हम नक्सवोनिका प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी आप नक्सवोनिका उब्लीक फेरमफॉस लिख कर रखना वहां पर, बहुत प्रोडक्टिव, जो ठान लिया वो करने वाले जो होते हैं ये फेरमफॉस के पर्सनैलिटीज होती है। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा ए टू जेड तक तो देखो एलिमेंट से लेकर तो नहीं, लेकिन जो मैं क्लिनिकली देखती हूँ वो मैंने आज आपको ये मैंने आपको बताया कि ऐसी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको बच्चों में और पढ़ने वाले बच्चों में बहुत कॉमन। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए फेरमफॉस के बारे में, आपने क्या क्या कैसे कैसे दी, कैसे कैसे पढ़ा फेरमफॉस? मैम खाने के बाद डायरिया होता है इसमें, आफ्टर ईटिंग डायरिया। गुड इवनिंग मैम। आफ्टर, गुड इवनिंग मैम। अच्छा, खाने के बाद डायरिया हो जाता है मैम? डायरिया आफ्टर ईटिंग है मैम इसमें। जी जी जी, आयरन है तो पूरा आयरन की तरह बर्कोलिक है, काम बहुत करती है, मजबूत है, पूरी हिलती नहीं है जैसा आप कहा, तो वही चीज है मैम। पर डायरिया का मैंने देखा इसमें पेशेंट्स में रियली में रिजल्ट भी है, और रूब्रिक भी इसका बहुत वेल मार्क है इसका। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा केस था फेरमफॉस का। आज तो मुझे लगता है सभी शॉक भी हो गए, फेरमफॉस फीवर की तो रेमेडी है नहीं? मैं पूछूं? जी जी जी, पूछिए सर। श्योर मैम, फीवर विदाउट सिम्टम क्लिनिक में और कैसे पेशेंट देखने को मिलेंगे? मुझे संजय सर की ना आवाज क्लियर नहीं, कोई और रिपीट करेगा क्वेश्चन सर का? बोला है कि फीवर विदाउट सिम्टम्स और कैसे देखने मिलेगा प्रेजेंटेशन? हाँ सर, बहुत सिंपल है। जब हमें पेशेंट आकर बोलता है कि मुझे फीवर है चार छह दिन, देखिए अगर गला खराब होना होता, फीवर वैसे तो बहुत कम केसेस में होता है कि फीवर ऐसे ही आ जाए, फीवर के पीछे कोई ना कोई कहानी रहती है, चाहे माइंड की कहानी रहे, चाहे कुछ उसने ठंडा पिया, गलत खाया, कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी कहानी फीवर के पीछे रहती है, कुछ लड़ाई हो गई, मम्मी ने डांट दिया, कुछ कुछ वो जो हम एलिमेंट्स लेते रहते हैं। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास आते हैं जो आकर बोलते हैं कि मुझे फीवर हो रहा है चार पांच दिन से, लेकिन सिम्टम आपको कोई नहीं मिलेगा, ना पेट का, ना गले का, ना सिर का, ना किस बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, आपको पेशेंट बोलेगा नहीं है, नहीं है। यहाँ इस केस में तो सारे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके थे, क्योंकि किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास हम जाते हैं सीबीसी पहला होता है, मैं तीन दिन बाद सीबीसी करवाती हूँ, लेकिन जो पेशेंट आते हैं हमारे पास वो सीबीसी लेकर ही आते हैं, ठीक है ना। आपके पास कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो बच्चे को जुकाम है, छींके हैं, खांसी आ रही है, ब्रोंकाइटिस है, थूक भी अंदर नहीं जा रहा, पॉटियां लगी हुई हैं, ऐसी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कॉमन होती है, ये विदाउट सिम्टम्स आएगी, कुछ नहीं होगा इसमें। ओके सर, थैंक यू मैम। अभी तक हम जो फीवर को लेते हैं फेरमफॉस को, तो एक्यूट फीवर में, इंफ्लेमेटरी फीवर में एकोनाइट, फेरम और हिपर, जो हमारी नॉलेज अभी तक मतलब। जी जी मैम, फीवर विदाउट सिम्टम्स तो सोचा ही नहीं, क्योंकि फेरम में तो इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा और कोई कोल्ड को राइजा सारी चीजें होंगी। हाँ। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है
कि फेरमफॉस चोट के लिए दी जाने वाली पहली दवा है आर्निका से पहले, जो हमारे बहुत ही दिग्गज होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, अगर नील नहीं पड़ा, अगर वहां ब्लू नहीं हुआ लेकिन इन्फ्लामेशन हो गई, सोरनेस हो गई, तो वो फर्स्ट मेडिसिन फेरमफॉस प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने नहीं दी कभी। राइट फ्रोजन शोल्डर के लिए भी शायद फेरमफॉस बहुत अच्छी है, फेरमेट एंड फेरमेट। हेलो मैम, फेरमेट जी जी। हाँ जी मैम, मेरे टीचर थे बीएचएमएस में, गुड आफ्टरनून मैम, मेरी आवाज थोड़ी है। हाँ जी, उन्होंने बताया था कि ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, बत्रा सर थे हमारे एनएचएमसी में, तो वो बता रहे थे कि एक बार उनके क्लिनिक में एक बच्चा आया, उसने ना अपने ब्लेड से टंग काट ली खेलते खेलते, तो मदर ले आई उसको ऐसे उठा के, उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, तो व्हाट सर डिड वाज फेरमफॉस, उनके पास सिक्स एक्स ही थी, उन्होंने उसको कूटा, उसको पूरा पाउडर बना दिया, और उसके ना टंग में, मतलब कि उसको कपड़े में लेके ना उसके टंग दोनों तरफ से उसे प्रेस करी जी, एंड द ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब ही प्रेस फॉर क्वाइट अ वाइल, और वो कहता है कि इमिडिएटली वो ब्लीडिंग बंद हो गई, और फिर मैंने बोला आप जाओ सर्जन के पास, मतलब इंस्टेंट ब्लीडिंग जो होती है ना, तो सर कह रहे थे कि पाउडर्ड फेरमफॉस से मैंने हैंडल किया। आई स्टिल रिमेम्बर दिस केस। जी बढ़िया, तो ये मेरी साइड से था। 30 मिनट्स की वीसी अपनी 25 मिनट में फिनिश हो गई, तो आप जाकर घर अभी फेरमफॉस स्टडी कीजिए कि कितनी डे टू डे कॉमन रेमेडी है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा कि आज हमने एक छोटे से केस में कितना सिंपली फेरमफॉस प्रिस्क्राइब की। हम अलर्ट देखते हैं तो फॉस्फोरस की तरफ चले जाते हैं, बच्ची को क्वैक्टिश बच्ची नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि जब उसके पापा बोलते हैं कि डिनर पे जाना है, तब वो अपनी फ्रॉक निकालती है, तब वो अपने हेयर पिंस निकालती है। क्वैक्टिश बच्ची तो सारा दिन स्कूल से आकर भी, स्कूल मैंने क्वैक्टिश बच्चों को देखा है, स्कूल में डांट पड़ेगी कि वो मेहंदी नहीं लगा के आना, वो समझ गए आप सब, तो वो नहीं लगा के आना, फिर डांट खा लेगी लेकिन लगा के जाएगी, वो अपना कुछ कुछ पहन के जाएगी लेकिन जाएगी पहन के, ऐसे होते हैं ये, तो उसी दिन उसी टाइम के लिए उसके मदर ने बताया ना, एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चे, बाहर जाना है फटाफट चप्पल ढूंढते हैं, फटाफट ड्रेस पहनते हैं, ऐसे होता है वो, तो ये तो एक्साइटमेंट थी, क्वैटिश नहीं था। हैप्पी भाई, थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज रियली डिफरेंट टू स्टडी, थैंक यू अगेन। अभी देखिए मैंने आपको टिप्स भी दे दिए छोटे छोटे, जो दो चार मैं आपको बता रही हूँ, कि हमें हमेशा ही वॉर्न आउट दिखना शुरू हो जाता है कि ये तो कालीफॉस है, ये तो भाई पढ़ पढ़ के इसका तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा नहीं होता, हर केस में ऐसा नहीं होता। तो आप रूब्रिक्स पढ़ा कीजिए, रूब्रिक्स को अप्लाई किया कीजिए, तो मेडिसिन तो आपके सामने आएगी ही आएगी, फील तो कहीं और ले जाती है भाई। ठीक है, चलो सर बाइंड करते हैं हम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम।